हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे, सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। अरे समाधान है इसका, वाद होने वाला वाद है ना अपना। वो नमस्कार, अरे प्रोग्राम वही है इलेक्शन एक्सप्रेस, पर जो आप देख रहे हैं ये जो है नुक्कड़ नाटक, ये जो है सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है, ना कि किसी प्रत्याशी का अपनी तरफ से जो है प्रदर्शन की तरफ से या समर्थन बटोरने के लिए। मेरी जहाँ तक समझ है उस हिसाब से ये बहुत अच्छा तरीका है जनता को जागरूक करने का, कि जनता को ये पता चले कि उनकी समस्याएं क्या हैं, साथ ही साथ किन समस्याओं के बीच वो कई सालों से रहते आ रहे हैं। अब समय है परिवर्तन का, आपको अपना जो मत है उसका, उस अधिकार का उपयोग करना है। सच्चा और सक्रिय जनसेवक आपको जो है चुनना है। तो यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 41 में, और यहाँ पर मेरे साथ है जय वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय गणेश। आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप जो नुक्कड़ नाटक देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो समस्या है इसमें दिखाई जा रही है, ये वाकई आपके ही वार्ड की समस्या है? वाकई में मेरे वार्ड की समस्या है। सबसे पहले पेयजल की मेरे यहाँ बहुत भीषण समस्या है, ड्रेनेज की मेरे यहाँ पे बहुत भीषण समस्या है। मेरी माता बहनें इतनी परेशान हो जाती पानी के लिए कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। जो है रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हो रही है, पानी की, सफाई की, ड्रेनेज की, तो ये जो समस्या है ये आज की तो नहीं है, कई सालों से जो है यहाँ के जो रहवासी इसे देख रहे हैं और इससे जूझ रहे हैं। ये रहवासी जरूर जूझ तो नहीं रहे थे, यहाँ पर नर्मदा की लाइन भी डली, बाकी उसमें पानी नहीं है। इन मेरे क्षेत्र की जनता 7,000 रुपये कनेक्शन के ले लिए गए, बाकी पानी का आज भी एक बूंद नहीं आता है। 8,000 रुपये के नल के बिल आते हैं, बाकी आज तक किसी ने एक बूंद पानी भी उस नल में से नहीं भरा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पिछले पार्षद की निष्क्रियता से हुआ है। कई काम उनने इसलिए फाइलें अटका दी कि वो ठेकेदार उनको कमीशन नहीं देता था। यहाँ पर जो है पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस वक्त जितनी भी जगह हम जा रहे हैं वहाँ सभी जगह जो है पेयजल की समस्या बड़ी जो है विकट समस्या है। इसलिए नहीं कि क्योंकि गर्मी का मौसम है, पेयजल की समस्या जो है वो सभी जगह पूरे 12 महीने बने हुए हैं। पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, या तो पानी ही नहीं आ रहा है, बोरिंग सूख चुके हैं, कई तरह की समस्या है। यहाँ पर कई सारे रहवासी, उनसे जानते हैं उन्हें क्या समस्या है। क्या समस्या है आपको? यहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि 100 से लेकर 90 साल तक के व्यक्ति को कोसों दूर बुलाया जाता है, कहीं खजराना कहीं उस तरफ, वो कैसे मुसीबत से जाते हैं। सुबह से 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं, उन्हें ले जाने में भी तकलीफ होती है। कई वृद्ध ऐसे हैं उनका कोई नहीं है, इसलिए हमारा कंट्रोल सूरजनगर में होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी जो समस्या है, सारी समस्याओं से हटके समस्या, और ये वाकई बहुत वाजिब समस्या है कि जरूरी नहीं बुजुर्गों को दिक्कत आ रही है। यहाँ पर कामकाजी लोग भी रहते हैं जो अपना कामकाज छोड़कर सस्ता राशन लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जा रहे हैं, और वहाँ पर भी समय पर राशन नहीं मिल रहा है। इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? इस समस्या को, वैसे वाकई में मेरा जो क्षेत्र है पूरा स्लम एरिया है, और सभी लोग, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, कोई मकान का काम करने वाला है, तो यहाँ पर आज तक पिछले पार्षद भी कई बार मांग रखी कि भाई यहाँ पर राशन की एक दुकान आप खोल लो, कूपन बना दो, उनको पुलिस लगा के भगा दिया जाता है मेरे क्षेत्र की जनता को पिछले पार्षद के द्वारा। तो इसलिए पूरी जनता में आक्रोश भी है, और एक नए संचार की वो भी हो रही है कि हम अच्छा पार्षद चुनेंगे इस बार और हमारा काम होगा। आपको लगता है कि यदि इन सब लोगों का समर्थन रहा आपके साथ और आप जीत कर आते हैं, तो सबसे पहले जो है आपकी प्राथमिकता रहेगी जो सरकारी योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाने की? बिल्कुल रहेगी, मैं इन्हीं वादों पे, इन्हीं संकल्पों पे चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जनता की कसौटियों पर मैं खरा उतरूं। आप बताएं क्या समस्या? जो राशन बनी वो बंद करवा दिए, और अनाज नहीं मिल रहा, वो बोलने जाते तो चालू नगर निगम जाओ, कलेक्टर जाओ, तो कई जगह नहीं हो रहे। लॉकडाउन ने खाने को नहीं दिए, फिर हम ये भैया ने हमको सबको खाने को दिए। आपको भरोसा है कि आप यदि इन्हें वोट देंगे तो ये जो समस्याएं हैं बहुत कुछ खत्म हो जाएंगी? सब समस्या खत्म कर देंगे वो, पानी नहीं पक्का।
पूरा भरोसा है हमें। कई महिलाओं की विधवा में महिलाओं के पेंशन बंद हो चुकी है, वो इधर उधर भटक रही है, कई बार जा चुकी है पर उनकी पेंशन चालू नहीं हो रही है। आप बताएं आपको इन सरकारी योजनाओं से अलावा कुछ और समस्या है? मेरा आज तक राशन कार्ड नहीं बना, इंदौर में रहते रहते 50 साल हो गए। आप बताएं आपको सफाई की दिक्कत है कि आपके घर के आगे पानी जमा हो जाता है, या फिर पानी की समस्या है, या बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं? गली नंबर 5 में बिल्कुल इतनी गंदी वाड़ा रखा है कि हम बता नहीं सकते, बीमार हो गए। आपने कभी शिकायत करी? शिकायत करी सीएम हेल्पलाइन पे, वहाँ जाते हैं तो सुनते ही नहीं है। आपको लगता है कि यदि जय वर्मा जी आते हैं तो ये पूरे वार्ड में जो समस्याएं हैं? लॉकडाउन में किसी ने भी हमको खाने को नहीं दिया, पूरी गली में किराएदार सब भूखे सोए बेचारे, ये आधी रात को जो भी जाता था उनको खाली नहीं पहुँचाया, वहाँ नहीं पहुँचा। भले 2 किलो आटा में इनकी मम्मी शांत हो गई थी, फिर भी इन्होंने आटा की व्यवस्था करी, खाने पीने की व्यवस्था करी, सब व्यवस्था करी। तो आपका आशीर्वाद इनके साथ है? हाँ इनके साथ है। और हमको पानी की बिल्कुल समस्या है, सरकारी बोरिंग है तो वो मतलब 4 महीने हो गए बंद है। जय वर्मा हमारे उधर आके देखे नहीं उन्होंने, एक बार भी नहीं आए, 5 साल से मतलब हमारे उधर वो जीते है परमा मंडल, तो उन्होंने हमारे तरफ आके भी नहीं देखा है कि भाई पानी पर्णा मंडम नहीं आके देखे हमारे तरफ। आपको भरोसा है कि जय वर्मा जी को आप वोट देंगे तो ये समस्या जो हल करेंगे? जय वर्मा जीत जाएंगे तो हमारी समस्या बराबर पूरी करेंगे। आप वोट देंगे इनको? हम इनको वोट देंगे, जिताएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वर्मा जी जिस तरह से यहाँ पर जो लोगों का विश्वास बना हुआ है, आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जीतने के बाद कि हमें ये जिम्मेदारी हर वक्त जो है निभानी पड़ेगी? बिल्कुल निभाना पड़ेगी, मेरी कर्मभूमि भी यही है, मेरी जन्मभूमि भी यही है, और मेरा कर्म भी जन सेवा करना है, तो मैं जरूर मेरी जनता की सेवा करूंगा। अभी जिस तरह से समस्याएं आ रही है कि मूलभूत सुविधाएं जो है लोगों को नहीं मिल पा रही, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहे? सबसे पहले घर घर नर्मदा पहुंचाने की मेरी प्राथमिकता रहेगी, और जब तक नर्मदा नहीं पहुंचेगी बोरिंग से या किसी भी व्यवस्था से, मैं पानी पहुंचाऊंगा। मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत भीषण समस्या है, और माता बहने मेरे इनका आशीर्वाद है मेरे को, मैं अवश्य यहाँ पर वो समस्या जो है उन्होंने समझी है। यहाँ पर जो है समस्या है जो काफी सारी है, लोग बहुत सारे हैं, और यहाँ पर जो बता रहे हैं कि पानी के लिए भी इन्हें पैसे देना पड़ रहे हैं, ये वाकई बहुत निंदनीय चीज है कि पानी जैसी चीज के लिए पैसे, और वो भी आपको रोजमर्रा की चीज है, आपको यदि 2 बाल्टी पानी चाहिए उसके लिए आपको पैसे देना है, तो ये निष्क्रियता है पूर्व पार्षद की। हम चाहेंगे कि इस वार्ड में जितनी जनता है वो जागरूक हो, इस बार परिवर्तन का समय है, सोच समझ के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक सक्रिय नेता चुने अपने लिए। आपको समस्या है कोई? आपको समस्या है? हाँ है ना, पानी की व्यवस्था ही नहीं है मैडम। पानी के अलावा कोई और व्यवस्था? लाइट का बिल ज्यादा आ रहा है, सड़क नहीं है, बिजली का बिल इतना दे रहा है कि बता ही नहीं सकते, क्या तो गरीब खाएगा और क्या बिजली का बिल देगा, आप बताओ। ये आपको कोई समस्या आंटी? हमारा कूपन बंद हो गया है, चालू भी हुआ, यहाँ बोल यहाँ बोल वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, सामान नहीं देते, मना करते, भगा देते हमको। अच्छा यहाँ पर और भी जो है कई सारे लोग हैं, महिलाओं की अपनी समस्या होती है, बच्चों की अपनी समस्याएं होती है, बट आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास। क्या नाम है आपका? नीलम चौहान। यहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं आसपास? हाँ। तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर खेल का मैदान बगीचे हैं? नहीं। तो कहाँ खेलते हो फिर? गली में। गली में। ये हम हर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ बच्चों से भी बात कर रहे हैं कि बच्चों को जो है सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कि एक बच्चे का जो है एक ग्राउंड होना चाहिए, खेल का मैदान जो है उनका हक होता है, सड़क पे खेलते वक्त कई सारी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, कई बार बच्चे जो है चोटग्रस्त हो जाते हैं, जो वाहन आते जाते हैं वो टक्कर मार जाते हैं। यहाँ पर जय वर्मा के पास वापस आएंगे, उनसे जानेंगे कि आपको नहीं लगता कि इस पूरे वार्ड में जो है बगीचे और खेल के मैदान जो है बिल्कुल नहीं है, और है तो बहुत बुरी स्थिति में है। यहाँ पे जो खेल के मैदान की जगह थी और बगीचों की जगह थी, उस पर तो हमारे पूर्व पार्षद कब्जा करके मकान बेच के खा गए, और अब पर फिर भी मेरी मैनिफेस्टो में मैंने लिखा है कि बच्चों सबसे प्राथमिकता में है मेरी कि बच्चों के लिए खेल ग्राउंड बनाऊंगा मैं यहाँ पर। यहाँ के पूरे वार्ड में सड़कों की क्या स्थिति? सड़कों की एक बार सड़क बनाते हैं, 6 फीट की सड़क बनाते हैं, उसको भी 4 बार खोद देते हैं, अगर किसी का ओटला है बाहर तो उसको भी तोड़ देते हैं, ऐसा हमारे पार्षद जी पूर्व पार्षद जी करते थे, और अगर ओटला नहीं तोड़ना है तो उसका भी रिश्वत में पैसा लेते थे। आपको नहीं लगता कि जब हम जनसेवा के लिए उतरते हैं मैदान में तो वहाँ पर हमें किसी पद की जरूरत नहीं होती, हमें जनसेवा करनी होती, तो ये जो सड़कें हैं जैसे अभी हमने देखा
जो कॉर्नर था वहीं पर ही एक बहुत बड़ा जो है ड्रेनेज खुला पड़ा है और वहाँ पर भी दुर्घटनाएं हो सकती, तो कभी आपने खुद ने अपने लेवल पे इसकी शिकायत करी? बिल्कुल जरूर करी मैंने, जोनल लेवल से लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक इसकी शिकायतें करी। और ये चूंकि अब चुनाव आ गए हैं तो इनने सारे काम खोल दिए, वरना वो सड़क 8 दिन से बंद पड़ी थी, लोगों ने विरोध किया, तो अब यहाँ लाके यहाँ पर अभी नर्मदा के 2 दिन से इधर नल भी शुरू कर दिया, जो लाइन सालों से नहीं चल रही थी, अभी 2 दिन से यहाँ पर नर्मदा के नल भी आ रहे हैं। इस पूरे वार्ड में बंगाली चौराहे से लेके हम आगे तक की बात करें तो यहाँ शाम को जो है 6 बजे से लेके 8 बजे तक जो निकलना है बहुत मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक यानी बहुत सिरदर्द हो जाता है। मैं तो मांग भी की है, मैंने तो पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि आप यहाँ पर एक और चौराहा जो हमारा यह है गावड़े जिम वाला चौराहा, यहाँ पर भी आप पॉइंट लगाएं, और वो क्या 6 रोड होती है वहाँ पे पॉइंट लगा के ट्रैफिक सुगम होगा वहाँ पे, ऐसी व्यवस्था करें। आपको समस्या है कोई? हमारा राशन कार्ड, बच्चों का राशन कार्ड ही नहीं बना है, और हमारी गली पूरी मतलब वो जाम हो रही है पीछे से, गंदगी फैली हुई है, रोड है हमारा तो कटाई है भी ना लगा। मैम हमारे ये एरिया में है ना सरकारी स्कूल नहीं है, ये जितने ये क्षेत्र है ना इसमें हमारे सरकारी स्कूल नहीं है। अभी कहाँ जाते हैं आपके बच्चे? घर पे ही रहते हैं मैम, इतनी आमदनी नहीं है कि हम पढ़ा सकते ये प्राइवेट में। जय वर्मा जी, ये एक जो है बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी होती है पार्षद की भी होती है, लोगों को जागरूक करने की भी होती है कि एटलीस्ट वो जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान करें और जितनी हमसे हो सके उतनी सुविधाएं हम उन्हें दे सके। यहाँ पर सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, आंगनवाड़ियों की क्या स्थिति है? यहाँ पर आंगनवाड़ी तो एक ही है मेरे ख्याल से, और सरकारी स्कूल के लिए या तो खजराना जाना पड़ता है या फिर इधर कनाडिया जाना पड़ता है। मैंने कई बार यहाँ के विधायक जी को, यहाँ के पार्षद जी को ये बोला है कि अपन सब लोग एक मत होकर प्रयास करते हैं, अपन अपने क्षेत्र के लिए एक अच्छा सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल लाते हैं, से गरीब लोग ही रहते हैं स्लम लोग, ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें। कई ऐसे लोग हैं जो फीस भी नहीं भर पाते हैं, किताब कॉपी के पैसे नहीं होते हैं, तो मैंने पूर्व पार्षद जी से भी ये मांगी थी कि अपन साथ में मिल के प्रयास करते हैं और अपने क्षेत्र के लिए एक अच्छा आधुनिक स्कूल लेके आते हैं। अच्छा, ये तो वो सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पा रही है, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी होती है व्यक्तिगत रूप से होती है। आपको नहीं लगता कि एक पार्षद की जिम्मेदारी होती है लोगों को जागरूक करना कि वो जब यदि हमारे वार्ड में सरकारी स्कूल नहीं है और महंगे स्कूल हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो RTI की तरफ जाए, जो योजनाएं बनी है वहाँ आपके इस वार्ड में जो है बहुत अभाव है, लोग उन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए, तो आपको लग रहा है कि जागरूक करने की ज़रूरत है लोगों को? बिल्कुल जागरूक करने की भी ज़रूरत है, और जागरूक आप हो चुके हैं, पहले बेवकूफ़ बना देते थे, 1000-1000 रुपये का लिफाफा देकर इनको वोट लेकर चले जाते थे, अब हमारे क्षेत्र की जनता बहुत समझदार और जागरूक हो गई है। ये जागरूकता हमारे सब मिल के माता बहनों ने लाई है कि भाई हमें मूलभूत सुविधाओं से चाहिए, और पूर्व पार्षद जी ने पैसा कमाने के अलावा और कुछ काम यहाँ पर नहीं किया। यहाँ पर जो है जय वर्मा जी ने जो है अपनी एक अलग ही ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रखी है, उसमें उन्होंने ये देख रखा है कि इस वार्ड में कितनी समस्याएं हैं, लोग वाकई इन समस्याओं से ग्रस्त हैं, साथ ही साथ उन्होंने उस जो बच्चे हैं यहाँ के जिसे हम भविष्य कहते हैं हमारा, उनकी भी समस्याओं को समझा है, उन्हें भी जाना है। इसके अलावा कुछ युवा है मेरे साथ, उनसे जानते हैं कि उन्हें कोई समस्या है, कोई समस्या है? समस्या है पानी की, ड्रेनेज लाइन। क्या करते हो? पढ़ाई। पढ़ाई करते हो, क्या पढ़ते हो? 12th में हूँ। कहाँ रहते हो? खजराना। खजराना में रहते हो। तो आप इन्हें वोट देंगे? वोट देते हो कि नहीं देते हो? पहले ही बताओ। हाँ देता हूँ। देते हो? इन्हें दोगे आप? जय वर्मा को दोगे? हाँ। भरोसा है कि ये सारी समस्या हल करेंगे? हाँ। यहाँ पर जो है और भी लोग हैं, आपको लगता है कि आप जय वर्मा जी को वोट देंगे तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? जी बिल्कुल मैडम, सारी समस्याएं जय वर्मा जी हल कर देंगे, काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में वो। मैं एक सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, और मैंने देखा कि जय भैया कई प्राइवेट स्कूल के बच्चों को जो गरीब है, RT से एडमिशन तो हो जाते हैं मैडम, लेकिन यूनिफॉर्म, जूते, बैग, किताबें कोई ये कौन ला के देगा? तो भैया बहुत जगह हेल्प करते हैं, बहुत जगह मदद करते हैं, पानी के टैंकर भेजते हैं, कई तरह के धार्मिक कार्य करते हैं, तो उनका तो काम ही सेवा है। जितना लोग बाहर खर्च करते हैं, कमाते हैं, इतना तो भैया दान कर देते हैं इन चीज़ों में। आपका पूरा समर्थन है और आप लोगों को भी जागरूक करेंगे इन्हें वोट देने के लिए? बिल्कुल मैम, हमारा पूरा सहयोग रहेगा भैया को, और वार्ड की जनता को बिल्कुल जागरूक करेंगे कि वो वार्ड 41 में अपना केक के बटन को दबाकर वोट दे, उनको भारी मतों से विजय दिलाए। जय वर्मा जी, हम आपसे आखिरी में जानना चाहेंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपनी माता बहनों से ही अपील कर सकता हूँ
कि बढ़िया बढ़ चढ़ कर अपने को ये चुनाव लड़ रहे हैं, सब माता बहनें ही चुनाव लड़ रही हैं। आप अच्छे से अपने समय पर निकल कर मतदान करें। और मैं MP न्यूज़ चैनल का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस छोटे से क्षेत्र में आके इतना बड़ा आयोजन आप हमारे लिए जनहित के लिए कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने बजाय कुछ और वादे, कुछ और जो है विश्वास दिलाने के, ये सिर्फ कहा कि प्लीज़ और प्लीज़ वोट करें, जो हम भी कहते हैं कि प्लीज़ और प्लीज़ वोट करें, अपने उस एक वोट की कीमत समझें। जब तक आप वोट नहीं करेंगे, सही व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, जब तक आपको एक सक्रिय जनसेवक नहीं मिलेगा, और जब तक आपको सक्रिय जनसेवक नहीं मिलेगा, आपके वार्ड में समस्याएं सदैव बनी रहेंगी।